मजेदार डांस गर्नु त गीत गाउनु न। हे गाइस वेलकम बैक टू इब्लिस लाइफ। सबसे पहले आप सभी को तेरे दिल से शुक्रिया इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह प्यार बना रही है विलेज बॉय और विलेज गर्ल और वही विलेज लाइफ के साथ। तो बिल्कुल ही तो भाई आज हम जा रहे हैं मज़ेदार 5 डेज के बाद ना 5 डेज के बाद मज़ेदार धमाकेदार पटेकेदार ना शेड्यूल बन गया है सभी गाँव और विलेज में। अभी ब्रूम स्टिक का जो पेड़ लगा रहे तो बिल्कुल ही हम भी थोड़ा लगा लूँ बोल के आज हम जा रहे हैं मैं भैया और पंडी। तो उसका नर्सरी ढूंढने के लिए जा रहे हैं हम लोग ऊपर की तरह। तो कैसे ढूंढता है और कैसे निकल के हम लोग वो नर्सरी डालता है वो दिखाऊंगा, क्योंकि मैं सभी विलेज लाइफ एक्सप्लोर करता हूँ क्या क्या चीज़ रहता है और क्या क्या इनकम सोर्स यहाँ पर रहता है वो सभी आपको दिखाता हूँ। और वही सोच के आज भी हमने थोड़ा वीडियो बना ही लूँ बोल के थोड़ा नर्सरी डालना है ब्रूम स्टिक को निकाल के उसका पेड़ को निकाल के। तो कैसे करता है और कैसे हम लोग किसान उसको खेती करता है बिल्कुल ही आप दिखाएंगे। तो बिल्कुल ही आप सभी हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। भैया वहाँ पे निकल रहे हैं और पंडी में जा रहा हूँ। पंडी थक गए क्या? चलते चलते मालूम है कैसे करता है? नहीं तो मालूम होना चाहिए ना। तो भाई हम बिल्कुल ही यहाँ पे पहुँच चुका है। तो ऐसा करके ब्रूम स्टिक का पेड़ को निकल के हम लोग का आज है यही काम। तो भाई अब आज का मज़ेदार शेड्यूल यही है हम लोग लगाएंगे ब्रूम स्टिक का पेड़। तो सबसे मज़ेदार और हमारा ये गांव में अभी ब्रूम स्टिक हो चुका है तो इसका प्राइस भी बहुत अच्छा है पर केजी अभी 60 या 70 बोल रहे हैं। और इसका सबसे मज़ेदार चीज़ क्या रहता है ये बहुत ज़्यादा ग्रास रहता है। तो भाई आज यहाँ पे थोड़ा खाली स्पेस है क्योंकि इसको ढकाना है थोड़ा थोड़ा तो है और इसका जो स्पेस खाली है ब्रूम को जो पेड़ नहीं रहता है वहाँ पे जाके डालेंगे। आज यहाँ पे भी थोड़ा डालना है और नीचे भी डालना है। इसको जेसीबी है ना जेसीबी तरह से रोकने से ये इसको ओनली ये जमीन में घुसाने से होगा ना और थोड़ा मिट्टी डालने से भी ये हो जाता है। हो गया क्यों आलस जैसे लग रहा है? आलस लग रहा है। सबसे मजेदार क्या मालूम है क्या और विदेश में तो ऐसा जहाँ पे भी मिलता देखो आज ये मैं आप सोच रहा होगा ये मैं इसको डाल रहा हूँ ये पैसा मैं उमर रहा हूँ मालूम है पैसा को रोप रहे हो पैसा भी होगा ना जो इजी रहता है ग्रास बहुत ज्यादा इजी कटिंग करने के लिए ना ठीक है। जय श्री राम हनुमान ज्ञान गुण सागर भन्ने गीत सुनेको कसरी जय हनुमान लग जाएगा यसलाई त पल्टाइदिनु पर्यो नि उ त जान्छ ए ए लाग्यो लाग्यो गयो बोलने से भी नहीं रुका हूँ थोड़ा जल्दी कीजिए ना ये कौन लेके जाएगा इसको
जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं। पहले किया था ऐसा काम? नहीं। तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अभी तो मालूम है क्यों, अभी पैसा ही यही है। रूम स्टिक का जो नर्सरी होगा वो ऐसा वाला जो जहाँ पे लैंडसेट होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका जो बिरवा निकलता है, बिरवा बोलेगा को नर्सरी निकलता है। तो यहाँ पे लैंडसेट आज से 5 ईयर्स आगे में लैंडसेट हुआ था, इसके वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा नर्सरी निकल गया इसका बिरवा। तो बिल्कुल ही आज ईजी हो गया, इसलिए हम लोग ढूंढ नहीं पड़ रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा यहीं पर मिल रहा है। मज़े ले लो, मज़े यही है, वहीं पे डाल दीजिए वहीं पे। गुड गर्ल, थैंक यू अब काम खत्म हुआ? खत्म अभी तो स्टार्ट हो गया ना। हमको सिर्फ काम लगाता है, कभी ये लेके आओ, कभी वो लेके आओ, कभी चाय बनाओ, बैठने भी नहीं देता है ना। लेके आना है ये? पहले लेके आना चाहिए था ना। ठीक है, स्लोली स्लोली। तो फिर खरगोश ए छिया कछुआ। तो गाइस, विलेज बॉय मेरे को बहुत ज़्यादा काम लगाता है, थोड़ा कमेंट करके बोल दीजिए उसको ज़्यादा काम हो गया। आप सब बोल दीजिए मेरे को ज़्यादा काम लगा। ल को छ माथि? ओ कुखुरा नाचिरहेको रहेछ। माथि यस्तो एउटा हँसे कहाँ छ? अभी ये दोनों लेके आने के लिए बोला है। तो गाइस मेरे को एक बात बोलना था। विलेज बॉय सिर्फ बोलता है आप सभी को मेरी तरफ से भी तहे दिल से शुक्रिया इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए। अब फिर जाके मुझे कुछ ना कुछ काम लगवाता है, मुझे ये भी करने के लिए बोलता है, वो भी करो, ये करो, वो करो, पंदी वो करो, पंदी बोलते रहते हैं। ओह, मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे। ले आए तो अब कहाँ के गनो? ये ही दो दो यहाँ से लगवाए। गर्मी ए बोले थक चुका है, बोला नहीं क्या? थक चुका है। तुमने तो अच्छे करके बनाए हुए, तो घूम घूम जैसे लग रही। इधर दिखा तो आइडिया है, तो इंडिया भी बन जाएगा ना। तो भाई देखिए बिल्कुल ही बारिश थोड़ा थड़के आ रहा है क्योंकि अब यहाँ से भाग जाना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ है, तो पेड़ ऐसा गिर के लग जाने के ज़्यादा चांसेस रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ से निकलने वाला है। तो बारिश ऑलमोस्ट ही गिरना स्टार्ट हो चुका है। तो भाई यहाँ भैया क्यारी कर रहे हैं, ग्रास को मिला रहा है यहाँ पंडित, जल्दी जल्दी करके साफ कर रहे हैं क्योंकि बारिश आएगा जैसे लग रहा है, थोड़ा थोड़ा तो आ ही रहा है। अरे मैं यहाँ पे ऐसा करके डाल रहा हूँ ये ब्रूम स्टिक का पेड़, तो बिल्कुल ही ऐसा करता है हम लोग। ब्रूम स्टिक का नर्सरी यार जो भी कहूँ इनकम सोर्स यही है। ये देखिए वहाँ पे एक ट्रक गाड़ी जा रहा है, दिख रहा होगा शायद। मज़ेदार डांस करना था, गीत गाना ना। भाई अब बिल्कुल ही आज का काम ख़त्म हो चुका है यार,
यहाँ पे ग्रास भी रेडी हो गया और इसको कैरी करके लेके जाना है और पंदी वेट कर रहे हैं हमारे लिए। तो बिल्कुल ही भाई आज ये डालने के लिए मौसम ने बहुत अच्छे करके साथ दिया है, तो बारिश भी रुक गया और हम लोग अच्छे करके ये काम को किया भी है और आप लोग को भी देखा पाया, क्योंकि वीडियो बारिश आने के टाइम आएगा तो वीडियो नहीं हो पाते थे, उसके वजह से बारिश रुक गया, वीडियो भी आप लोग को थोड़ा शेयर कर पाया हूँ। भाई अब जाना है और 2 बजे का हम लोग 2:30 का टिफ़िन खाएंगे, उसके बाद शाम में काम रहता है। तो इसी तरह मैं रियल लाइफ और विलेज का जो हम लोग पहाड़ का किसान सर्वाइव करता है आप सभी को दिखाता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ। उसी तरह आप सभी ने इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए ढेर सारी एक बार तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह प्यार बने रहिए और जहाँ पे भी रहिए, जैसे भी रहिए, जैसे परिस्थिति में हो, जैसे है ना, जैसे हाल में भी हो खुश होना चाहिए और जैसे काम है उसमें खुश रहना चाहिए। तो बिल्कुल ही ऐसा होता है ना लाइफ। तो आज का वीडियो ऑलमोस्ट ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरी वन।